बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा नुस्खा। नुस्खा कह लें या रेमेडी कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत ही लाजवाब है ये और बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप घर पे बना सकेंगे इसे। इसके लिए हमने सबसे पहले पैन लिया है, पैन को लो हीट पर गर्म कर लिया। जैसे ही पैन गर्म हो गया, इसमें हमने थोड़ी सी मूँगफली डाल दी है, पीनट, उसके बाद काजू, और इसके साथ ही हमने आलमंड्स, बादाम जो हैं वो डाल दिए हैं इसमें। और बादाम के साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं पिस्ता, पिस्ता थोड़ा सा डालेंगे। और इसके बाद हमने अखरोट का जो मगज़ है वो डालना है इसमें, तुख में अखरोट वो डाल दिया है। और अब हमने लो फ्लेम पर ही इसे 5 से 7 मिनट चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेना है। 5 से 7 मिनट लो फ्लेम रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। और इस तरह से 5 से 7 मिनट में इसमें से अच्छी सी खुशबू भी निकलनी शुरू हो जाएगी और ये फ्राई हो जाएगा। जैसे ही खुशबू सी निकलनी शुरू हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है और एक प्लेट में पलट लेना है। और प्लेट में हमने इसको ठंडा होने देना है, 5 से 7 मिनट लगेंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हम मिक्सी का जग लेंगे, मिक्सी जिसमें हम ये कह लेंगे मिर्चें वगैरह पीसते हैं या कुछ भी, उसमें डाल लेंगे इसको इस तरह से। और डालने के बाद आप इसके लिए जो जूसर होता है मैंगो वाला, उसके जो छोटे बाउल होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाएंगे इसमें और आपने इसको 2 से 3 मिनट ऐसे चलाना है, और उसके बाद ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाएगा। और ये पाउडर जो है ये आप रोज़ाना 1 से 2 चम्मच खाएं और सर्दियों को भूल जाएं। बहुत ही लाजवाब सा रिज़ल्ट है इसका। और ये पाउडर बन गया है और इसको आपने थोड़ा सा हाथों की मदद से देख लेना है दबाकर। इस तरह से ये देखें कि इसमें कोई बड़े दाने तो नहीं रह गए। अगर कोई बड़े दाने रह गए हों तो उनको दोबारा से डाल लेना है। और इसी तरह से हमने सारा जो मटेरियल है इसको इस तरह से पाउडर फॉर्म में ले आना है। और इसके बाद हमने इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है। जैसे ही ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इसको एयर टाइट जार में डाल लेंगे और इसे फ्रिज में रखकर आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द, कमज़ोरी, बहुत ही मुफीद है उसके लिए। तो चले, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे दें इजाज़त। आप देखें इसका फाइनल लुक और कुछ इस तरह से लगेगा आपको। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है और ये खाना भी आसान है और हज़म करना भी आसान है। सबसे बड़ा जो इसका है फ़ायदा है वो ये है कि हाजमा जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।